नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। छत्तीसगढ़ चुरमरी नगर के हल्दीबाड़ी निवासी पीर मोहम्मद का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण पंचतत्व में विलीन हो गए, जिसके चलते संपूर्ण चुरमरी क्षेत्र में जैसे ही इस दुखद घटना के बारे में पता चला तो शोक की लहर दौड़ गई। हरे भरे परिवार के मुखिया आकस्मिक निधन से जो शोक पहुंचा है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। चुरमरी क्षेत्र की NCPH कॉलरी की R6 खदान में बत्ती घर में कार्यरत पीर मोहम्मद के आकस्मिक निधन से परिवार और उनके चाहने वालों को जो क्षति पहुंची है इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। इस घटना में जानकारी मिलते ही NCPH कॉलरी के खदान प्रबंधक वर्मा साहब एवं अधिकारी गण श्रमिक संघ के नेता नूरुद्दीन देशमुख के अलावा भारी संख्या में कोयला खदान कामगारों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह। हमारे यहाँ इंदौर शहर खजराने में नूरुद्दीन नाटसली सरकार का उर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 4 फरवरी को हमारे यहाँ नात का प्रोग्राम है। फिर दूसरी बात, दूसरे दिन हमारे यहाँ मुशायरा है। माने हुए अपने मुशायर हैं राहत इंदौरी जी, कुछ UP के भी आ रहे हैं कवि लोग, सारी जगह से कवि लोगों की हमने की है। बाकी उसके बाद में हमने कव्वाल पार्टियों को बुलवाए हैं, हिंदुस्तान के माने हुए कव्वाल लोग हैं। वो 3 दिन पूरा चलेगा, उसमें हम लोग पटेल समाज की ओर से काफ़ी बड़ा लंगर 3 दिन हर वर्ष आने उर्स की तरह चलता रहता है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। बाकी जाहिरीनों के लिए अच्छी सुविधा है, लाखों लोग आते हैं हमारे यहाँ, सब धर्म के लोग आते हैं। उर्स के कामयाब बनाने के लिए सब भाई लोगों से, सब माँ बहनों, सारे बुजुर्गों से हमारी यही विनती है, दुआ करते हैं कि वो लोग आके हमारे उर्स को अच्छा से अच्छा कामयाब बनाए और किसी को भी किसी के साथ कोई परेशानी नहीं आए, यही दुआ करते हैं हम। हजी अरावली पटेल सदर खजराना दरगाह नाटसवली बाबा।